हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, नया साल आ चुका है। दुनिया भर के लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत भी करते हैं, आपने भी किया होगा। भारत में भी नए साल का आगाज बेहद खास तरीके से होता है। भारत के लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, बीते साल को विदा करते हैं और नए साल का नाच गाकर जश्न मनाकर स्वागत करते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नए साल का आगाज होते ही भारत में सबसे पहला त्योहार कौन सा मनाया जाता है? जी हाँ, यूं तो भारत तीज, त्योहार और उत्सवों का देश है। भारत में नए साल के आगाज के साथ ही पहला त्योहार होता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार कहा जाता है। हिंदू पांचांग के मुताबिक मकर संक्रांति का पर्व पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए बच्चों, हम आपको इस त्योहार से जुड़ी हुई मान्यता और पौराणिक महत्व को समझाते हैं। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे और गंगा में स्नान और तिल गुड़ का सेवन, यह अद्भुत, सुंदर और मन को मोह लेने वाला नजारा है नए साल के बाद भारत में देखने को मिलता है। भारत के लोग इस उत्सव को मकर संक्रांति कहते हैं। जी हाँ बच्चों, मकर संक्रांति का मतलब बेहद खास है। असल में मकर संक्रांति में मकर एक राशि का नाम है और संक्रांति का मतलब संक्रमण होता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ब्रह्मांड में पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के करीब आती है, जिसका असर भारत की जलवायु पर भी दिखाई देता है। और भारत में एक तरह से दिन बड़े और रात धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। प्रकृति अपना श्रृंगार करती है और पौधों में पोलिनेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फूल खिलने और फसल पकने का समय होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक महत्व, जैसा आप जानते ही हैं कि भारत में मनाए जाने वाले ज्यादातर तीज त्योहार उत्सवों के पीछे पौराणिक महत्व भी जरूर होते हैं। ठीक इसी तरह से मकर संक्रांति के त्योहार के पीछे भी एक अनूठी पौराणिक कथा है। श्रीमद् भगवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। यमराज ने की थी तपस्या। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसीलिए शनि देव को तिल प्रिय हैं। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा की नियम की शुरुआत हुई। वही गंगा स्नान का भी अपना महत्व है।
माना यह जाता है कि हजारों साल की तपस्या के बाद भागीरथी से प्रसन्न होकर गंगा जी ने धरती पर आना स्वीकार किया। जब गंगा धरती पर आई तब भागीरथी के पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और मानव को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पतंग उड़ाने के पीछे मान्यता ये है कि पतंग क्योंकि आकाश में उड़ती है और माना जाता है कि आकाश देवत्व है और पतंग मानव निर्मित। ऐसे में पतंग मानवों की परेशानी दुख की फरियाद पतंग के रूप में देवताओं तक ले जाती है। पतंग देखकर देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मानव को आशीष देकर उसके दुख और परेशानी खत्म कर देते हैं। तो देखा आपने कितनी सुंदर और अद्भुत कहानी है बच्चों, मकर संक्रांति की कहानी और पौराणिक महत्व आपने समझ लिया। तो चलिए आप तैयारी कीजिए 2023 यानी कि इस साल आने वाले त्योहार की और याद कीजिए अपनी संस्कृति और पौराणिक मान्यता और खुशी महसूस कीजिए एक भारतीय होने पर, भारत की जड़ों से जुड़े होने पर। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।